भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है ना तो मंगल राज दिखता है, और सत्ता से हटते ही 24 घंटा में जंगल राज दिखता है। इनकाउंटर बिहार में हो रहा है कि यूपी में हो रहा है? बुलडोजर बिहार में चल रहा है कि यूपी में चल रहा है? मेडिकल घोटाला बिहार में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है? व्यापम घोटाला का अपराधी और मुजरिम बिहार में है कि मध्य प्रदेश में है? इसलिए देश को छलने का और ठगने का अवार्ड किसी पार्टी को दिया जा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आप सोच सकते हैं कि हम उस महान शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश चल रहा है जनाब, जो प्रधानमंत्री चाइना और अडानी का नाम लेने से घबराता है। डिबेट करें, देश को बतावें कि ये हिंदू मुस्लिम का खेल कब तक खेलेंगे। उनको बताना चाहिए कि देश के बैंकों से लोन और कर्ज लेकर भागने वाली सूची में कितने लोग गुजरात के हैं और कई नाम मुसलमान का है। हिम्मत है तो बतावें। मुट्ठी भर गुजरात के लोगों ने देश के सत्ता साधन सब पर कब्जा कर लिया है। हमें संदेह भी हो रहा है, डर भी लग रहा है कि कहीं अडानी की शक्ल में विक्टोरिया का आदमी तो नहीं भारत में ढुका है। इस पर सर्वे करा लेना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? गुलाम रसूल पंजाबी जी क्या चाहते हैं भाई? हम तो फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि पीएम मटेरियल नहीं, एक मौका अगर मिल जाए तो जब बिहार की तस्वीर बदल सकती है और सद्भाव के साथ बिहार एक नई तारीख लिख सकता है तो नीतीश कुमार जी में वो कला, वो कार्य, वो क्षमता, वो साहस है कि देश की भी तस्वीर बदल जाएगी, लोग देख लेंगे। है कि हमने तो ये नहीं कहा कि आप मान लीजिए, आपने व्यक्तिगत राय पूछा, मैंने व्यक्तिगत राय दी, पार्टी फॉरम से हमने तो नहीं कहा। क्या लगता है सर, ओबीसी की पार्टी जो है वो मानेगी? अब ऐसा है कि अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि दो आदमी की पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी बनाने में क्यों लगे हैं। कांग्रेस भी है, कहीं आप लोगों का फिक्सिंग मैच तो नहीं ना है? कांग्रेस भी है तो कांग्रेस ही के तो हमारे नेता ने कहा कि भाई बैठिए, सबको बुलाइए, सबको एकजा कीजिए, वो तो इंतजार ही कर रहे हैं। हमारे नेता ने किसी भी जात हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, लोगों को बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। जब मदरसे के मौलाना तक को नीतीश कुमार बढ़ा सकते हैं तो आप उठा के देख लीजिए बिहार और झारखंड, कितने लोग हैं जो उनके ही तैयार किए हुए हैं, जो आज कहीं मंत्री भी है, सांसद भी है, विधायक भी है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगले बिहार के। ये तो फ्यूचर के गर्भ में है ना, जनता का इशू है। अब भी तो युवा नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिल्कुल कांधे से कांधा मिला करके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं, तजुर्बा भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं।